सोनभद्र की धुकती विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम दुलार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। ये जीत एक पिता के संघर्ष की भी मानी जा रही है, एक भाई के संघर्ष की मानी जा रही है। बीजेपी विधायक के खिलाफ पीड़ित परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। करीब 9 साल तक मामला अदालत में चला, इस दौरान 300 से ज्यादा तारीखें पड़ी। आरोपी पक्ष की ओर से कई बार अदालत को गुमराह करने की कोशिश भी की गई, यहाँ तक कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पीड़िता को बालिग साबित करने का भी प्रयास किया गया। साथ ही विवेचना के दौरान भी कई त्रुटियां बढ़ती गईं, जिससे संदेह का लाभ आरोपी को मिल जाए। हालांकि सत्य की कसौटी पर कोई भी दलील खरी नहीं उतरी। अदालत ने सभी को खारिज करते हुए दोषी विधायक को सख्त सजा सुनाई है और इस खबर की इसीलिए चर्चा हो रही है। बीजेपी विधायक राम दुलार गौड़ ने साल 2014 में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। राम दुलार ने नाबालिग के साथ 6 बार दरिंदगी की, तब वो विधायक नहीं था। उसका क्षेत्र में इतना दबदबा था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। विधायक के इस गंदे काम से नाबालिग गर्भवती हुई तो विधायक ने बच्चे को मारने का भी पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। विधायक को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पीड़िता के भाई और पिता ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत यातनाएं भी झेली। जब 15 दिसंबर को बेटी को न्याय मिला तो दोनों गले लगाकर रोने लगे। फोन कर बेटी को खुशखबरी सुनाते समय उसकी आंखें नम हो गईं। सजा होने की बात सुनकर पीड़िता भी भावुक हो गई। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा, आप लोग समाज के प्रतिनिधि होते हैं, जनता आपको चुनकर इसलिए लाती है जिससे आप उनकी रक्षा कर सके, मगर यहाँ तो आप उनके ही भक्षक बने हुए हैं। आपका कृत्य बहुत ही गंदा है, ऐसा कृत्य करके समाज को बहुत गंदा संदेश दिया, इसकी कठोर सजा आपको मिलेगी। विपीड़िता के पिता अपने संघर्ष को याद करते हुए बताते हैं, हमारे लिए 9 साल बहुत कठिन थे, बेटी की इज्जत चली गई थी, इस बोझ के साथ जीना आसान नहीं था, मगर जो गलत काम मेरी बेटी ने ना किया था उसकी सजा मैं उसे क्यों देता। मैंने हमेशा उसका साथ दिया, गांव वाले रिश्तेदार बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोलते थे, फिर कहता था देखिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना उसमें जीत नहीं पाओगे, हमारे जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, उसके पास पावर पैसा सब कुछ है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, कैसे उसके सामने खड़े हो पाओगे, मगर फिर भी हम पीछे नहीं हटे। उन्होंने आगे कहा कि एक समय तो ऐसा भी था जब हमारी बेटी घर से निकलने में डरती थी, लेकिन हमने उसको हिम्मत बांधी, हम उसको स्कूल घूमने सब जगह भेजते थे। जब हमने पुलिस से विधायक की शिकायत की थी तो पुलिस वाले भी हम पर हंस रहे थे, मगर आज सब शांत हैं, अब कोई हम पर नहीं हंस रहा है, अब हम लोग 9 साल के बाद चैन की नींद सो पाएंगे। मेरी बेटी के साथ जो काम हुआ मैं नहीं चाहता था वो किसी और के साथ भी हो, मैंने कसम खाई थी, चाहे खुद मिट जाओ मगर विधायक को सजा जरूर दिलाऊंगा। आज मेरे ऊपर 20 लाख का कर्ज है, 4 बीघा जमीन बिक गई, लेकिन फिर भी मुझे सुकून है, कम से कम विधायक अब किसी और बच्चे के साथ तो ऐसा गलत काम नहीं कर पाएगा। विधायक की काली करतूतों के बारे में बताते हुए पीड़िता के भाई ने कहा कि जब उन्होंने केस दर्ज किया उसे कुछ महीने बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उस वक्त विधायक ने बच्चा गिराने का दबाव बनाया, लेकिन परिवार लड़की के साथ था, भाई ने उसकी शादी भी कराई। भाई ने आगे बताया, केस दर्ज करवाने से लेकर कोर्ट तक मामला आने में हमें मुकदमा वापस लेने के लिए बहुत धमकाया गया, हमारे साथ मारपीट हुई, घर से बिजली की लाइन हटा दी गई, यहाँ तक गांव के लोगों को हमसे बात करने के लिए मना कर दिया गया, गांव में कोई भी दुकानदार हमें सामान नहीं देता था, हमारे साथ चलते फिरते गाली गलौज किया जाता था। उसके बाद जब मामला कोर्ट पहुँच गया तो हमें जान से मारने की कोशिश की गई, मगर फिर भी हम लड़ते रहे और आज जीत कर आए हैं। फिलहाल इसी लंबी लड़ाई के बाद विधायक को आखिरकार सजा मिल गई, जो 25 सालों के लिए जेल में है, वही पीड़िता और उसका परिवार न्याय मिलने से बेहद खुश है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।